आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या का महत्व और पूजा विधि। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इसे माघी की अमावस्या भी कहते हैं। यह योग पर आधारित एक महाव्रत है। हिंदू धर्म में विशेष कारण से मौनी अमावस्या का महत्व है, तो आइए मिलकर जानते हैं मौनी अमावस्या का महत्व और पूजा विधि। सबसे पहले बात करते हैं मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दौरान मौन रखा जाता है। मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस व्रत का मौन धारण करने का समापन करने वाले व्यक्ति को मुनि का पद प्राप्त होता है। यह दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म दिवस भी है। इस दिन गंगा स्नान और दान दक्षिणा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मौन रखने से आत्मबल में वृद्धि होती है। इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान या फिर किसी पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए। यदि यह अमावस्या सोमवार के दिन हो तो इसका महत्वपूर्ण और महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अनेक लोग समूचा माघ प्रयाग में संगम के तट पर कुटिया बनाकर निवास करते हैं, नित्य त्रिवेणी स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस दिन संगम में देवताओं का निवास रहता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। माघ स्नान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्व अमावस्या ही है। मौनी अमावस्या ही एकमात्र ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन व्रत रखना विधान है। अनवर्त रखना ऐसा व्यक्ति को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ मिलता है। मौनी व्रत रखने से व्यक्ति के आंतरिक विकार नष्ट हो जाते हैं। मौन व्रत करने वाले व्यक्ति के आत्मबल में वृद्धि होती है और वाणी विकार दूर होते हैं। मौन व्रत रखने से व्यक्ति को इंद्रियों पर काबू रखने की शक्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक बल का विकास होता है। इस दिन मौन रहकर पूजा पाठ और भगवान की आराधना करने से काल सर्प दोष और पितृ दोष का भी नाश होता है। जी हाँ, फोन रहकर पूजा पाठ करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। मनु ऋषि का जन्म हुआ था इस दिन और बुद्ध ने कहा था कि मौन व्रत व्यक्ति की उदासी, दुख और गिलानी को खत्म कर देता है। मौनी अमावस्या के दिन यदि पूर्ण मौन व्रत नहीं रख सकते हैं तो सवा घंटे का मौन व्रत अवश्य रखना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन रखे गए मौन व्रत से 16 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। बात करते हैं मौनी अमावस्या पूजा विधि की। दोस्तों, मौनी अमावस्या की तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान करने के पूर्व मौन व्रत रखना चाहिए। यदि आप चाहें तो मौन व्रत पूरे दिन रख सकते हैं। स्नान ध्यान करने के पश्चात गरीबों और ब्राह्मणों को आटा या फिर अनाज का दान भी देना चाहिए। आप तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। इस दिन अनाज, आटा, भोजन, वस्त्र, गाय, सोना या फिर अन्य उपयोगी सामग्री का सामर्थ्य अनुसार दान करें। मौनी अमावस्या के दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हुए आचरण शुद्ध रखें। मौनी अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार का नशा न करें। इस दिन गुस्सा करने से भी बचें और अपशब्दों का प्रयोग न करें। मौनी अमावस्या को मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण हमेशा करते रहें और श्रद्धा पूर्वक से ईश्वर में ध्यान लगाएं। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक करता है उसके लिए मौनी अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मौनी अमावस्या का महत्व और पूजा विधि जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।